हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सलमान भट्ट ने भी ज़बरदस्त बात की। एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम थी ना पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट मैच, उसकी एंड मुताबिक उसने बात की। आजकल उसके तज़िये बहुत अच्छे होते हैं, उसकी असेसमेंट बहुत अच्छी होती है। सो सलमान भट्ट ने सबसे पहले तो अज़हर महमूद की जो बात थी ना, कि अज़हर महमूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि पिच डिडेंट प्ले द वे इट शुड, मतलब जो पिच हमने बनाई थी वो पिच वैसे नहीं खेली। क्या बात है अजहर भाई, मतलब आपने जो आपके मतलब की पिच भी नहीं, उसके ऊपर भी नहीं आप परफॉर्म कर सके। सेम पिच के ऊपर उनके फास्ट बॉलर्स ने जो बनाए थे ना, चार टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया था उनके पेसर्स ने। दूसरी चीज़, सलमान भट्ट ने कहा कि उनके जो एवरेज पेस बॉलर्स हैं वो भी हमारे टॉप पेसर्स से भी ज़्यादा तेज़ गेंद करा रहे थे। मतलब ये कि हमारे पेसर्स की जो पेस है ना वो गायब हो गई है, और ये बिल्कुल ठीक है। और उसने ये भी कहा कि जो जूनियर खिलाड़ी थे वो हमारे सीनियर खिलाड़ियों से भी ज़्यादा अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी। फॉर एग्ज़ाम्पल खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो इट वॉज़ डिसअपॉइंटिंग, ये मैच जो है ना पाकिस्तान को बहुत अरसे तक याद रहेगा कि वो 10 विकेटों से बांग्लादेश से कैसे हारे, और वो बांग्लादेश की पहली जीत थी। और भी, और सलमान भट्ट ने ये भी बताया कि चार पेसर्स रखने की क्या ज़रूरत थी। मतलब चार पेसर्स, खुदा के लिए आप सेलेक्ट किया लेकिन उसको खिला नहीं रहे। इब्रार अहमद को आप उसको खिलाएं यार, लेके गए हो या उसको सेलेक्ट किया तो उसको खिलाओ सही। मुझे याद है 2-3 साल पहले उसने इतनी कमाल की बॉलिंग की थी टेस्ट मैच में। उस लड़के को के साथ भी वाकिस जाती है, सेलेक्ट करते हैं खिलाते नहीं हैं। कोई तो मसला है यार सिलेक्शन में, सिलेक्शन का। सलमान भट्ट ने कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ भाई, हर जगह मिसमैनेजमेंट हुई। सिलेक्शन में, डिक्लेरेशन में प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना बहुत बहुत बुरी तरह हार है बांग्लादेश से। और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।